हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और हमारी जर्नी पहुंच चुकी है आज डे 6 पर। डे 5 तक हमने मोशन को डिस्क्राइब किया और डे 6 पर हम पढ़ेंगे मोशन के कारण के बारे में। जी हाँ, फिजिक्स की कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट किरदार फोर्स को डेडिकेटेड है आज का हमारा दिन। हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में आप अपने आप को फिजिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए कंसेप्चुअली इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जबकि लोग उल्टा करते हैं, इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस को करने में मजा आता है, बट उनका कोई इतना खास योगदान नहीं होगा नीट के रेस्पेक्ट में। तो हम बिल्कुल कंसाइज मैनर के अंदर पढ़ेंगे और उतना पढ़ेंगे जितना आपको फिजिक्स के अंदर भयंकर तरीके से हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तीन लॉज है। पहला लॉ सबको पता होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंडेंसी होती है जिसको अपन इनर्शिया कहते हैं। This tendency is to resist the motion. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही बना रहना चाहता है। अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहना चाहता है, अगर वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी बना रहना चाहता है। और अगर आपको उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी है तो आपको लगाना पड़ेगा फोर्स। स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की बात करते हो, जो कि उसके मास और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपन मोमेंटम बोलते हैं। और मोमेंटम किसको डिस्क्राइब करता है? स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे हमें ये दो चीजें पता पड़ गई कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन यानी कि मोमेंटम को चेंज करना है तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी लगानी पड़ेगी, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स इज समहाउ रिलेटेड टू मोमेंटम, एंड इसको डिस्क्राइब करता है आपका सेकेंड लॉ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह आप करते हो वो सारे के सारे इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट? सो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो मैथमेटिकली इक्वल होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डीपी डिवाइडेड बाय डीटी। आपको पता है डिफरेंशिएशन की एक और मीनिंग होती है। अगर आपको मोमेंटम टाइम की फॉर्म में दे रखा है तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे और फोर्स निकाल लेंगे, और अगर आपको मोमेंटम और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है तो फिर हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर अगर इस मोमेंटम की जगह अपन एम इंटू वी रखें और प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन करें तो दो हिस्सों में इसका डिफरेंशिएशन होगा, राइट? यहां से अगर आप निकलोगे तो ये हो जाएगा डी एम वी डिवाइडेड बाय डी टी। अब डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? बेसिक मैथ्स के अंदर पढ़ा था, पहले क्वांटिटी को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये डीवी बाय डीटी क्या होता है? ये तो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो आप घूम फिर के कहां तक आ जाओगे? यहां तक आ जाओगे। तो फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, मतलब इसमें सारी चीजें आ गई। अब आप जो नॉर्मली देखते हो वो ये वाला केस होता है। भाई नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में जिन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं उनका मास तो कॉन्स्टेंट रहता है। आप एक आपके सामने सपोज करो ब्लॉक रखा हुआ है, बॉटल रखी हुई है, और आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाने और मोशन करवाने के दौरान उसका मास तो चेंज होता नहीं है। तो ऐसे केस में जब आपका मास टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो ही नहीं रहा तो ये वाली टर्म कितनी हो जाती है? जीरो। और फोर्स केवल और केवल किसके इक्वल रह जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे दिमाग में एक गलत बात बैठ जाती है कि एफ इज इक्वल टू एम ए ही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, बट आपको ये रियलाइज करना है कि उसका एक स्पेसिफिक केस है। हालांकि 95% से भी ज्यादा केसेस के अंदर आपको इसी को अप्लाई करना है, राइट? एफ इज इक्वल टू एम ए। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपका मास वेरिएबल है, जैसे कन्वेयर बेल्ट का एग्जांपल आप ले सकते हो। कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा, एक बेल्ट चलती रहती है फैक्ट्रीज के अंदर, या सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एयरपोर्ट के अंदर, मूवीज के अंदर आपने देखा होगा। उसके ऊपर बैग एक के बाद में एक धपाक 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 बैग जो है वो गिरते रहते हैं, और वो कन्वेयर बेल्ट अपने मस्त आराम से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहती है।
अब आप बोलोगे सर कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है बट उसका मास जो है वो चेंज हो रहा है, तभी तो कन्वेयर बेल्ट को मूव करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ती है। अगर कोई फोर्स ही नहीं लगाना पड़ता तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, वो अपने आप ही घूमती रहती। तो यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि ये कन्वेयर बेल्ट जैसे जो सिस्टम होते हैं जिनकी वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट होती है बट मास वेरिएबल होता है, वहां पर फोर्स कैसे निकाला जाता है, वी टाइम्स डीएम बाय डीटी। ठीक है, इसका यूज अपन एक दो जगह और कर सकते हैं जो कि अपन क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, बट आपके दिमाग में दोनों चीजें रहनी चाहिए। राइट, आगे समझ में। चलो, तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम ये बताते हैं कि जो फोर्स है वो सिंगल एंटिटी का फिनोमिना नहीं है। फोर्स को एग्जिस्ट होने के लिए यूनिवर्स में दो एंटिटीज तो होनी चाहिए एटलीस्ट, यानी कि अगर ये ए है तो ये फोर्स लगाएगा ना किसी के ऊपर, या ये फोर्स महसूस करेगा किसी का, तो बी को भी एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो फोर्स इज अ डबल एंटिटी फिनोमिना, और हर डबल एंटिटी फिनोमिना की तरह फोर्स के साथ भी क्या होगा कि ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा ये इसके ऊपर उतना का उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सब आप पढ़ते हो 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, इसको दिमाग में इतना ही रखना है। ठीक है, जब अपन फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तब हम इस लॉ का यूज करेंगे। इसमें सबसे खास बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट एंटिटीज के ऊपर एक्ट करती है। बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, कंसेप्चुअली रॉन्ग होने की वजह से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन लगा देते हैं और उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन भी लगा देते हैं, और फिर उनको उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। राइट, हमेशा एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हालांकि इसके बारे में हम डिफरेंट चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां पे हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें ये कहा गया है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं गया, यानी कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन रिटेन करेगा, यानी कि उसका चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि उसका फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम के इक्वल। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइट, बट इंटरेस्टिंग ये है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो आप 100% कह सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे केस में एक और क्वांटिटी निकल के आती है, उसको बोला जाता है इम्पल्स। घबराने की जरूरत नहीं है, लोग डर जाते हैं इससे। इम्पल्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है इम्पल्स और मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या वो सेम होगा, तो अब आपको पता पड़ गया कि इम्पल्स केवल और केवल चेंज इन मोमेंटम है, यानी कि डायमेंशनली दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। खास बात, चेंज इन मोमेंटम जो होगा, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम के इक्वल भी हो जाएगा। अगर फोर्स थ्रू आउट ड्यूरेशन जो आपको कहा गया है कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्ट फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से, और अगर फोर्स खुद वेरी कर रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो अपन फोर्स को बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। राइट, यहां पे फिर एक और बात पकड़ना, ग्राफ के क्वेश्चन, हमने पूरा का पूरा पिछला चैप्टर ग्राफ को डेडिकेटेड किया था। राइट, आज आपको मैं बताता हूं वहां पे जो इंफॉर्मेशन शेयर करी गई थी वो किस तरीके से हर जगह काम आती रहती है। तो जैसे आप देखो कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन इंटीग्रेशन की फॉर्म में, समझ जाना ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो बहुत आसान होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिंपली एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। राइट, इतना आसान होगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारे फोर्सेस के साथ आप डील करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ डील करोगे, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एम जी के इक्वल होगा। राइट, आप स्प्रिंग फोर्स के साथ डील करोगे, के इंटू एक्स के इक्वल होगा, स्प्रिंग खींचेगी तो अंदर लाएगा, स्प्रिंग दबाओगे तो बाहर ले जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस के एक्स भी लिखते हैं अगर साइन के साथ लिखा जाए तो। ठीक है, आप कल को जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी पढ़ोगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ोगे। राइट, बट इन फोर्सेस को मैंने इसलिए यहां पर काउंट नहीं किया क्योंकि इन सब के लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर ऑलरेडी है, वहां पर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर जिस फोर्स को हमें ढंग से समझना है वो है कॉन्टेक्ट फोर्स। राइट, कॉन्टेक्ट फोर्स कब लगता है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है। जैसे सपोज करो मेरे हाथ के ऊपर ये पेन रखा हुआ है, तो पेन मेरे हाथ के ऊपर और हाथ मेरे पेन के ऊपर क्या लगा रहा होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स लगा रहा होगा। पहली चीज आ गई आपको समझ में। ठीक है, आई होप मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेना चाहिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको ले लेते हैं अपन। राइट, तो ये जो पेन होल्डर है ये मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है,
राइट, तो ये मेरे हाथ पर और मेरा हाथ इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स लगा रहा होगा। अब कॉन्टेक्ट फोर्स जो है उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं, सबसे पहले तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट जिनकी आप बात कर रहे हो दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर, जैसे मेरे हाथ के ऊपर सिंपल ये पेन होल्डर जो है वो रखा हुआ है, ना तो ये मेरे हाथ से कहीं दूर जाना चाह रहा है, ना मेरा हाथ, ऑब्वियसली मैं ज्यादा देर तक रखूंगा तो जाना चाहेगा, बट अभी नहीं जाना चाह रहा, राइट। तो देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो ऐसे केस में जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो कहलाएगा नॉर्मल फोर्स, और ये हमेशा जो सरफेस इन कॉन्टेक्ट है उसके नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर लगता है। जैसे मैं कहूं कि इस बॉक्स के ऊपर मेरा हाथ और मेरे हाथ के ऊपर ये बॉक्स क्या लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, क्योंकि दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर, हमेशा ये जो इनकी सरफेस इन कॉन्टेक्ट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और हमेशा वो ऑब्जेक्ट्स के बीच के कॉन्टेक्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे हाथ की वजह से बॉक्स पर लगने वाला फोर्स चाहिए तो वो ऊपर की तरफ होगा, और बॉक्स की वजह से हाथ के ऊपर लगने वाला फोर्स चाहिए तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, राइट। तो इस तरीके से आप नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर जगह मिलेगा आपको ये। सेकंड, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में तो है, नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और इनके अंदर टेंडेंसी ऑफ मोशन भी है। आप देखो टेंडेंसी ऑफ मोशन का मतलब क्या है, अगर मैं मेरे हाथ को हल्का सा टिल्ट करो इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, एक टेंडेंसी ऑफ मोशन है, मूव करना चाह रहा है बट फिर भी आप देखोगे तो मूव कर नहीं पा रहा, कौन है इसको जो रोक के रखा हुआ है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड स्टेटिक फ्रिक्शन, इट इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, बट इट इज राइट, इट इज द कॉम्पोनेंट अलोंग द सर्फेस, ये वाला नॉर्मल टू द सर्फेस था और ये वाला अलोंग द सर्फेस होगा। अब इस स्टेटिक फ्रिक्शन का काम क्या होता है कि जब तक इसकी बस की बात होती है तब तक ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के अंदर होने वाली जो रिलेटिव मोशन है उसको रोक के रखने की कोशिश करता है, जैसा कि आपको यहाँ पे मेरे एग्जांपल मेरे हाथ के ऊपर रखे हुए पेन होल्डर के साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटिक फ्रिक्शन के बारे में अपन अभी थोड़ा और पढ़ेंगे डिटेल में। फिर तीसरा किरदार और आ जाता है, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, और अब की बार केवल और केवल टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, अब की बार में एक्चुअल में क्या हो रही है, मोशन हो रही है, एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, एक्चुअल में एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर क्या कर रहा है, मैं करवा के बता रहा हूं, मतलब नॉर्मली ये कर रहा है, आप ज्यादा झुकाओगे तो करने लगेगा, राइट। तो ये इस तरीके से स्लाइड कर रहा है, तो अब इस केस में ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, तो इस मोशन को अपोज करेगा एक और फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। काइनेटिक फ्रिक्शन भी सरफेस के अलोंग ही होता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स, ये दोनों दो कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स के, तो आपको इन दोनों को हमेशा कंसिडर करना है जब भी आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, राइट। और ध्यान रखना, फ्रिक्शन को मैं अलग से एक और स्लाइड दे रहा हूं, क्योंकि फ्रिक्शन के ऊपर चीजें थोड़ी डिटेल के अंदर पूछ ली जाती है, ठीक है। देखो क्या क्या पूछा जा सकता है फ्रिक्शन के बारे में, आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसका मतलब है कि जैसे सपोज करो मेरे हाथ के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और मैं इसको क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं जितना ज्यादा टिल्ट करूंगा उतना ज्यादा इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉम्पोनेंट है वो अप्लाई होगा, बट फिर भी ये मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। आप अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस के अलोंग 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन हो जाता है, 10 लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हो जाता है, 15 लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 15 न्यूटन हो जाता है, अप टू अ सर्टेन लिमिट ये खेल जो है वो जारी रहता है, फिर एक हद तक आप ऐसा कर सकते हो, फिर उसके बाद में सीन में आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट्स की सरफेस के ऊपर, जो दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में ना उन दोनों की सर्फेसिस कैसी है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखना लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। तो अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो ये फॉर्मूला बड़ा स्वीट सा फॉर्मूला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू म्यू एस, म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, हालांकि है लिमिटिंग फ्रिक्शन बट म्यू एस लिखा जाता है इसको, राइट, टाइम्स नॉर्मल फोर्स।
काइनेटिक फ्रिक्शन बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के टाइम्स नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है ना, मैंने बता तो दिया है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। नॉर्मली जो म्यू के है वो म्यू एस से क्या होगा, हल्का सा कम होगा। जैसे म्यू एस आपको दे रखा है 0.5, तो म्यू के आपको 0.3 या 0.4 दिया जाएगा, ना कहे तो दोनों को आप इक्वल भी मान सकते हो ना, क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना कर रखा हो। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी अभी बताया था कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कब तक, जब तक फ्रिक्शन स्टैटिक होता है। देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, फिर एक हद आती है जहां पर आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है, उससे भी ज्यादा अगर आप अप्लाइड फोर्स लगाने की कोशिश करते हो तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगते हैं रिलेटिव टू ईच अदर, और जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फिर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो ये तमाम बातें आपको इन सारे के सारे फोर्सेस के बारे में ध्यान रखनी है। अब आता है सवाल कि सर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर जब क्वेश्चंस करते हैं तो पुलीज भी आती है, स्ट्रिंग भी आती है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट उनके केसेस भी आते हैं, और हम फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर बहुत सारी कंडीशंस होती है, राइट, तो उन सबको कैसे डील किया जाए। तो मैं एक फ्लो चार्ट आपको बताता हूँ। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके अलावा जितने भी फोर्सेज है, टेंशन इन रोप हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इनके बारे में आपको हल्की फुल्की नॉलेज होगी। नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको उन फोर्सेस के बारे में बताऊंगा, राइट, वही सबसे अच्छा तरीका है उनके बारे में जानने का। चलो मैं इसको रख देता हूं। ये फ्लो चार्ट जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, अगर ये नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा बहुत पॉज करके जूम करके अच्छे से समझने की कोशिश करें। शुरुआत से चालू करते हैं कि अपन NLM को आखिर में अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले शुरुआत होगी चूज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं बोल रहा हूँ हल्का फुल्का दिख रहा है तो मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, चूज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपके पास में हमेशा ऑप्शन रहता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करना चाहते हो सिनेरियो को। जैसे आप खड़े खड़े ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप कहलाओगे इनर्शियल और ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल का मतलब है जिसके पास में खुद का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब तक आपको मौका मिले आप हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही चूज करो। नॉर्मली हम चूज करते हैं, हम दिमाग में ध्यान ही नहीं देते, ठीक है ना। चलो हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर ली, पहले इस रस्ते पे चलना है। फिर हमें एक ब्लॉक चूज करना होता है, कोई भी एक ब्लॉक पकड़ लो जिसके ऊपर तुम लगने वाले फोर्सेस को एनालाइज करोगे। फिर उसके बाद में शो ऑल द फोर्सेस विथ प्रॉपर डायरेक्शन, विथ प्रॉपर डायरेक्शन। अब उस ब्लॉक के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, टेंशन भी लग रही होगी स्ट्रिंग की वजह से, हो सकता है स्प्रिंग से भी कनेक्टेड हो, जितने भी दुनिया भर के फोर्स लग रहे हैं ना सारे के सारे शो करो, सबकी डायरेक्शन वगैरह सब निकालना आपको आता ही है, ठीक है। मान लो आपने शो कर दिया, इसी को कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। आप उसे एक ब्लॉक को पकड़ के उसके ऊपर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। यहां पर गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, एक आध फोर्स भूल जाते हैं या गलत डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप प्लीज यहां पर गलती मत करना, मैं क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस कराऊंगा इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करना। फिर इसके बाद में फिर दो केसेस बनेंगे, पहला तो ये इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट। अब जिस ब्लॉक को आपने अगर पकड़ा है, मान लो वो रेस्ट पर है इतने सारे फोर्सेस को लगने के बाद में भी, तो रेस्ट पर इसका मतलब है उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही, यानी कि उसके ऊपर लगने वाले तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों ही केस में उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसे केस को बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। सारे के सारे फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। अब इसको अच्छे से कहने का तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेज हैं, मैंने आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना सिखाया था जब हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो जितने भी फोर्सेस हैं उनके आप कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट्स ले लोगे। ये वेक्टर सम करने का बहुत अच्छा तरीका है अगर मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करना है तो, राइट। और जो दो डायरेक्शंस आपने पकड़ी है उन दोनों डायरेक्शंस के अंदर आप फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, बैलेंस आउट करने की कोशिश करोगे, आपको फिर कुछ इक्वेशंस मिलेंगे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप आसानी से अपना क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये वाला तरीका समझ में आ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है आपने जिस ब्लॉक को पकड़ा है वो किसी नेट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, इसका मतलब है उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस आपने दिखाए थे उन सबका सम किसके इक्वल आना चाहिए, m इंटू a के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें भी सेम चीज रही, अनबैलेंस फोर्स है,
हम सारे के सारे फोर्सेस का क्या कर लेंगे, कॉम्पोनेंट ले लेंगे कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नॉर्मली हम एक डायरेक्शन वो चूज करते हैं जिसमें वो एक्सेलरेट हो रहा है और एक डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर। तो टेक कॉम्पोनेंट अलोंग एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको अकॉर्डिंग को काट दो, दिस इज ACC एक्सेलरेशन है, उन्होंने गलत लिख दिया होगा। सो टेक कॉम्पोनेंट अलोंग एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल टू एक्सेलरेशन, एक तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन के नॉर्मल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आप कॉम्पोनेंट लो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो, जैसे यहां पे किया था, सारे फोर्सेस का सम जीरो, ठीक है ना। और जो आपकी अलोंग एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन है, ठीक है, ब्लॉक के मास को एक्सेलरेशन से एम इंटू ए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्सेज अलोंग द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अलोंग जितने भी फोर्सेज है उनके सबके सम के इक्वल होना चाहिए। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आप आसानी से अपना क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये तरीका आपका है जब आपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुना है, इसको सीखो, ये बहुत अच्छा है। अगर आपने जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चुना है वो नॉन इनर्शियल है, जैसे गिरती हुई लिफ्ट हो गई, जैसे मैरी गो राउंड झूला हो गया, जैसे पत्थर को घुमा रहे हो आप सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है, इन सारे के सारे केसेस में आप जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉर्मली चूज करते हो और आपको फायदा भी होता है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, उसके अंदर खुद के अंदर एक्सेलरेशन होता है। ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, इसमें बस एक काम एक्स्ट्रा करना है, वही ब्लॉक चूज करेंगे, सबसे पहले हम उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करेंगे जैसा हमने यहाँ पे किया था, और एक फोर्स और एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड शूडो फोर्स, राइट। उस शूडो फोर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा मास ऑफ द ब्लॉक और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इक्वल होती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे मान लो आपकी लिफ्ट गिर रही है, अब लिफ्ट के अंदर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है किसी एक्सेलरेशन से, और आपने लिफ्ट को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, तो एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल हो गई। अब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप ब्लॉक को देखोगे तो ब्लॉक के ऊपर mg तो आपको लगाना ही पड़ेगा, n तो आपको लगाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ में एक शूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो ऊपर की तरफ। ऐसे अपन काम करेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब अपन इसको और अच्छे से देखेंगे, राइट। तो ये आपको और दिखाना है, उसके बाद में आपका केस सेम है, आपका ब्लॉक अगर बैलेंस मतलब रेस्ट पर है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो हमें पता है, और अगर किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो हमें क्या करना है वो हमें सब कुछ पता है। तो ये जो फ्लो चार्ट है, दिस फ्लो चार्ट विल हेल्प यू अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आप इस फ्लो चार्ट को फॉलो करोगे तो शायद कभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पाथ दिखा रहा है कि आपको बिना सोचे समझे इस पाथ को फॉलो करना है और आप हमेशा क्वेश्चन कर जाओगे। आप मेरी बात मानोगे नहीं, जो कि आप हमेशा नहीं मानते, तो फिर मैं अपने इस पॉइंट को क्लियर करूंगा कुछ क्वेश्चंस के जरिए। तो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस से हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स अपनों ने समझे हैं उनको एक बार एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हुज मास इज 150 किलोग्राम, टू स्टॉप इट इन 1/5 सेकंड्स द रिक्वायर्ड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप यहां पे सबसे पहले सोचोगे कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें मास दे दिया गया है, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, तो ट्राई करो एक्सेलरेशन को ढूंढने की। फिर तुम्हारे दिमाग में चमकेगा कि यार हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, राइट, हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, हमें टाइम दे रखा है, और हमसे क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टाइम्स टी हम आसानी से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में अगली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास दे रखा है हमें 150 किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 40, तो ये आ जाएगा आपका 6000 न्यूटन। नेगेटिव साइन केवल और केवल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो अपोजिट होगा, तो 6000 न्यूटन आपका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे जिसमें जो अभी तक आपने मोशन के बारे में पढ़ा है उसको फोर्स से रिलेट किया जाएगा, बहुत आसान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्री इक्वल वेट्स ए बी एंड सी ऑफ मास 6 किलोग्राम ईच आर हैविंग ऑन अ स्ट्रिंग पासिंग हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर
a fixed frictionless pulley. The tension in the string between connecting weights B and C is. B और C के बीच में जो स्ट्रिंग बनी हुई है ना, उसमें क्या टेंशन होगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अपन स्ट्रिंग के अंदर लगने वाली टेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तीन चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स लगता है वो केवल और केवल तब लगता है जब स्ट्रिंग दोनों एंड्स पर टाइट हो, मतलब उसको खींचा गया हो दोनों एंड से। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो थ्रू आउट स्ट्रिंग टेंशन फोर्स सेम रहता है। अगर स्ट्रिंग के अंदर मास है तो हर पॉइंट के ऊपर टेंशन की वैल्यू अलग अलग होगी। जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी और टाइट है, भले ही वो कैसे भी हो, मुड़ी हुई हो या कैसी भी हो, पुलीज के ऊपर से जा रही हो, टाइट होनी चाहिए दोनों एंड्स के ऊपर। जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तो आपका टेंशन का जो वैल्यू है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, खासकर मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुलीज के केस में, राइट। और हमेशा टेंशन की डायरेक्शन दोनों एंड पर इस तरीके से निकाली जाती है जैसे स्ट्रिंग वापस से क्या करने की कोशिश कर रही हो, सिकोड़ने की कोशिश। आपने स्ट्रिंग को पकड़ रखा है, आप टाइट करने के लिए खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो टेंशन फोर्स वापस से उसको अपनी ओरिजिनल लेंथ पर लाने की कोशिश करेगा। तो इससे अपन डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इन सबको यूज करते हैं। जैसे इस ब्लॉक ए की मैं बात करूं तो इस एंड के ऊपर, इसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा होगा और वो टेंशन फोर्स हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जबकि इस पॉइंट के ऊपर बात करूं तो स्ट्रिंग सिकुड़ने की कोशिश करती है ना, मैंने बताया था दोनों एंड्स पर, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे यहां पे हो जाएगी टेंशन की वैल्यू डाउनवर्ड और यहां पर हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो मैंने टेंशन की वैल्यू भी क्या रखी है, सेम रखी है। अब यहां पे स्ट्रिंग अलग होगी तो इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसके ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ा छोटा है बट वो टेंशन फोर्स है, क्योंकि टेंशन अलग होगी तो इसको नाम दे देते हैं अपन T1। टी इधर दे दिया, T1 उधर दे दिया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है T1 के बारे में, आप देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि जैसे ही अपन इस सिस्टम को छोड़ेंगे, इधर 12 kg लटका हुआ है, इधर 6 kg लटका हुआ है, तो ऑब्वियसली ये मूव करेगा किसी ना किसी एक्सेलरेशन से, ये सिस्टम नीचे जाने लगेगा, ये ऊपर आने लगेगा। तो वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इस केस में वैसे तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशन बना सकते हो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट सिखाया था, बट एक छोटा सा तरीका और है जो अपन देसी तरीका बोल सकते हैं जिसको। उसमें क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग्स से दोनों एंड पर जो बंधे हुए ब्लॉक्स हैं उनको ढंग से एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि उनमें से स्ट्रिंग की जो मोशन है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है और अपोज कौन कर रहा है, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकल जाएगा आपका। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, एक एंड पर पक्का फोर्स ज्यादा होगा और एक पर कम होगा। रस्सी खींच में ऐसा ही तो होता है ना, एक तरफ फोर्स ज्यादा लगता है दूसरी तरफ, तभी तो एक तरफ खींच जाती है रस्सी। वैसे यहां पर है, यहां पे ये दोनों मिलके 6 + 6 = 12 kg वेट लग रहा है यहां पे, तो जो सपोर्टिंग फोर्स है वो तो हो जाएगा 12 × 10 दैट इज 120, राइट। ये दोनों मिलके इसके ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं जो कि स्ट्रिंग की मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और इसके ऊपर जो लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स, ध्यान दो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपोज कर रहा है, तो अपोजिंग फोर्स हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाय थ्रू आउट सिस्टम का जो मास है वो कितना हो गया, 6 + 6 + 6 = 18, यानी कि ये हो जाएगा 60 / 18 यानी कि 10/3, ये आपका एक्सेलरेशन होगा। अब आप बोलोगे सर हमसे तो टेंशन पूछा गया था, आपने हमें एक्सेलरेशन क्यों निकाल के दिया। तो फिर अब अपन आ जाते हैं सी के ऊपर। अगर आप सी को ढंग से एनालाइज करोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है 6 × 10 दैट इज 60 न्यूटन। 120 नहीं आएगा ध्यान रखना, 120 पूरे के पूरे दोनों ब्लॉक्स का जो सिस्टम बनाया था उन्होंने उसके ऊपर लग रहा था, इसके ऊपर केवल 60 लगे। ऊपर लग रहा है एक फोर्स T1 और हमें पता है कि ये ए इज इक्वल टू 10/3 m/s² के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अनबैलेंस फोर्स इसीलिए एक्सेलरेशन है। तो हमारी जो फ्लो चार्ट थी वो कहती थी कि इसका मास दैट इज 6 × इसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाना चाहिए, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। तो आप आसानी से T1 की वैल्यू निकाल सकते हो, 60 - 60/3 दैट इज 180 - 60/3 दैट इज 120/3 दैट इज 40 न्यूटन। इस तरीके से आप 40 न्यूटन आ सकते। कोई पूछता बताओ टी की वैल्यू क्या होगी, तो अपन इस वाले ब्लॉक को पकड़ लेते हैं, 60 नीचे एक्सेलरेशन ऊपर टेंशन, तो इससे निकल जाती है टी की वैल्यू। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन के जरिए आपको पुली और स्ट्रिंग का जो डर है वो खत्म हो गया होगा। लिटरली बच्चों आपको डराया गया है क्वेश्चन के बारे में, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये और बहुत आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइट स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, ऐसे आपकी एक पुली है
और यहाँ पे स्ट्रिंग पास हो रही है, इसके ऊपर वजन लग रहा है कितना 6 kg और इधर की तरफ है 12 kg, ठीक है, इस तरीके से दे रखे। व्हाट विल बी द टेंशन इन द थ्रेड, तो वैसे तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो, बट वही हमारा वाला तरीका, हम बोलेंगे इसके ऊपर 120 न्यूटन फोर्स जो है वो तो एक्सेलरेशन करवाने का काम कर रहा है, और 60 न्यूटन जो है वो इस एक्सेलरेशन को अपोज करने का काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 120 माइनस 60। आ रहा है समझ में, 120 इधर 60, नेट रस्सी इस तरीके से मूव कर रही है, तो ये सपोर्टिंग हो रही है, अपोजिंग फोर्स हो गया, और टोटल हो गया आपका 18, यही 60 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 3, इतना तो आपका एक्सेलरेशन होगा, राइट। अब आपको तो टेंशन फोर्स निकालना था, तो किसी भी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, तो इसके ऊपर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो आप कहोगे इसका मास दैट इज 6 इंटू इसका एक्सेलरेशन दैट इज 10/3 इज इक्वल्स टू, सपोर्ट कर रही है टेंशन, अपोज कर रहा है 60, टेंशन को अपन क्या कर लेंगे 60 को उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 60 + 60/3 दैट इज 180 + 60 240/3 और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा आपका 80 न्यूटन आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप इन दोनों एग्जांपल से आपको स्ट्रिंग तो बहुत क्लियर हो गई होगी कि मतलब स्ट्रिंग और उसके अंदर जो जनरेट होने वाली टेंशन है उसके साथ कैसे खेला जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 ब्लॉक्स ऑफ मास 2, 3 and 5 kg आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ लाइट स्ट्रिंग एंड आर देन प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, द सिस्टम इज पुल्ड विद फोर्स एफ, यहाँ पे ये जो फोर्स है ये एफ लगाया जा रहा है इसके ऊपर, राइट। द सिस्टम इज पुल्ड विद फोर्स एफ फ्रॉम साइड ऑफ द लाइटर मास सो दैट इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन 1 m/s². T1 एंड T2 डिनोट द टेंशन ऑन द जो अलग अदर स्ट्रिंग्स है उनके अंदर टेंशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। दिखने में इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, बट हम क्या करेंगे, एक चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको एज ए रूल आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आपके बहुत सारे ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो आप उनको एक कंबाइंड सिस्टम अज्यूम कर सकते हो। तो आपको कह दिया गया क्वेश्चन में कि ये तीनों के तीनों ब्लॉक रस्सी से बंधे हुए हैं, हालांकि टेंशन अलग अलग है, बट ऑल ये सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो हमारे लिए सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि हम इन तीनों को एक कंबाइंड सिस्टम मान लेंगे, जितना मास हो जाएगा 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 10 kg, और केवल फोर्स एफ लग रहा होगा, ये तो सब इंटरनल फोर्सेज है कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 1 m/s². तो अब तो बहुत ही आसान हो गया, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन आ जाएगी। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तब होता है जब हमसे T1 और T2 की वैल्यू पूछी जाती, तो जैसे हमारे पास में एफ की वैल्यू आ गई, फिर अब हम इसको पकड़ दें, इसकी इक्वेशन बनाते कि भाई 10 इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, और टोटल एक्सेलरेशन ए है, तो 2 × 1 = 10 - T1 करते तो T1 पता पड़ जाता, ऐसे ही इसके ऊपर जब लगाते तो इससे हमें T2 पता पड़ जाता। तो आई होप आई वुड रिकमेंड कि आप T1 और T2 की वैल्यू निकाल के देखें, इस वाले ब्लॉक को एनालाइज करोगे तो T1 मिल जाएगा, इसको एनालाइज करोगे तो T2 मिल जाएगा, और इसको एनालाइज करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है, राइट। चलो तो आपका आंसर आना चाहिए 10 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास M इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K। चलो स्प्रिंग का डर भी दूर करते हैं, यहाँ पे कैपिटल M है, ये इधर स्प्रिंग बंधी हुई है एक, और ये स्मॉल M है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखे हुए, कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी तक, आर एट रेस्ट, द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड, देन अ कांस्टेंट फोर्स F स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है F, टू पुल इट फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M। अब देखो होगा क्या, जैसे आप इसके ऊपर फोर्स एफ लगाओगे तो स्प्रिंग आपकी क्या होना चालू करेगी, स्ट्रेच होना चालू करेगी, जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होगी उसके अंदर स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग फोर्स दोनों एंड पर जनरेट होता है, तो जितना इसके ऊपर जनरेट होगा उतना का उतना इसके ऊपर जनरेट होगा, और इसको रोकने वाला कोई है नहीं, इसलिए फिर ये उस फोर्स की वजह से मूव करने लग जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे कि कुछ टाइम तक तो ये जो स्ट्रिंग है जैसे आप इसको खींचोगे तो इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगी, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो मूव करने लगेगा,
तो मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो इस ए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ आ जाएगा, मैंने अभी अभी बताया था दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो आ जाएगा टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सबसे पहली चीज तो ये आ गई। अब इसको पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर मान लो इधर की तरफ टी फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग के अंदर भी टेंशन ही ले लेते हैं एक तरीके से, स्प्रिंग फोर्स है, टेंशन फोर्स है। अब इसके ऊपर केवल और केवल एक ही फोर्स लग रहा है और इसी की वजह से मूव कर रहे हैं, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू ए के इक्वल हो जाएगा, और ए की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो आई होप ये ऑप्शन आपके आंसर्स में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फोर जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ एम किलोग्राम पर सेकेंड, यानी कि आपको dm by dt की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी गई है, m किलोग्राम पर सेकंड दे दी गई है। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको कितनी दे दी गई है इसकी, v दे दी गई है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और वो भी ऑप्शन के अंदर है, और बच्चे गलत कर जाएंगे। फिर उनको याद आएगी कि यार सुभाष सर ने एक केस बताया था कि कन्वेयर बेल्ट जैसे जो सिस्टम होते हैं उसमें मास वेरी करता है और उसके वेरी होने की रेट भी हमें दे रखी है, और सर ने हमें फॉर्मूला भी बताया था एफ किसके इक्वल होता है, वी टाइम्स डी एम बाय डी टी के इक्वल होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे इस केस में जो हमें डेटा दे रखा है फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एम टाइम्स वी, ये मोमेंटम नहीं है, कैपिटल एम यहाँ पे रेट ऑफ मास है, ठीक है, इसे कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर वन जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। अगला, स्मॉल स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार, ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से इसको बांध दिया गया। इफ द कार बिगिंस टू मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पूरी की पूरी कार एक एक्सेलरेशन ए से क्या करने लगती है, मूव करने लगती है, द टेंशन जनरेटेड इन स्ट्रिंग इज, अब अगर कार मूव नहीं करती तो टेंशन कैसे आ जाता, टी ऊपर लगता एम जी नीचे लगता, टी और एम जी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट मतलब बैलेंस कर लेते तो टेंशन एम जी के इक्वल हो जाती अगर कार स्टेशनरी होती तो, बट यहां पे कार के पास तो एक्सेलरेशन है, तो अगर आप कार के अंदर जाकर कार को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करोगे तो कार कैसी फ्रेम बन जाएगी, आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगी। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में मैंने बताया था आपको कि आपकी सिचुएशन चेंज हो जाती है, आप उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस दिखाते हो, इनफैक्ट आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी ऐसा, तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक तो लगेगा एम जी, एक लगेगा टेंशन टी, और एक लगेगा मैंने बताया था एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगता है। शूडो फोर्स कैसे निकालते थे, मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि बताओ टेंशन फोर्स किसके इक्वल होगा, अब ये यहां पर हम कार में देखेंगे तो हमें यहां पर स्टेशनरी दिखाई देगा, पीछे की तरफ धक्का लगता है, ये सारी की सारी चीजें आ गई इसके अंदर, राइट। तो हम बोलेंगे कि शूडो फोर्स वगैरह सब लगा दिया स्टेशनरी, इसका मतलब है तीनों फोर्सेस आपस में बैलेंस होने चाहिए, इसका मतलब है इन दोनों का वेक्टर सम किसके इक्वल होना चाहिए, टेंशन के इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों का वेक्टर सम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, एम बाहर आ जाएगा अंदर रह जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। कई बार आपसे ये एंगल पूछ लेते हैं कि बताओ ये थीटा कितना होगा, तो अपन वही रिजोल्व कर लेते हैं, इधर कॉम्पोनेंट आ जाएगा, इधर कॉम्पोनेंट आ जाएगा, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, टी टी कैंसिल आउट कर देते हैं तो उससे थीटा भी आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपका ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा ये थीटा है, तो आपका ये एंगल भी थीटा होगा, तो इधर तो आ जाएगा टी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, आप बोलोगे टी साइन थीटा तो है एम ए के इक्वल और टी कॉस थीटा है एम जी के इक्वल, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा आ जाएगा आपका ए अपॉन जी के इक्वल, यानी कि ए किसके इक्वल आ जाएगा, जी टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा, या थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स ए अपॉन जी के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस घुमा फिर आगे पूछ लिए जाते हैं, मेन पर्पज है आपको शूडो फोर्स का डर जो है वो खत्म करना, जैसे ही किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ बस कुछ नहीं करना, एक फोर्स एक्स्ट्रा लगाना है शूडो फोर्स,
बहुत आसान रूल है, मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और क्वेश्चन करते हैं इस तरीके के, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बीटा, द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। अब आप इस पूरे के पूरे इंक्लाइन प्लस ब्लॉक वाले कंबाइंड सिस्टम को ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो, तो ये नीचे फिसल ही नहीं रहा, फ्रिक्शन नहीं होते हुए भी नीचे नहीं फिसल रहा। भाई फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन रोक लेता, बढ़िया तो फ्रिक्शन नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है कि हम जब इसको इस वेज के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें नीचे फिसलता हुआ नजर नहीं आएगा, हमें ये स्टेशनरी नजर आएगा। बट हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं उसके पास खुद के पास एक एक्सेलरेशन है, तो हमें एनालाइज करने के लिए सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एम जी तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इधर है तो इधर की तरफ लग रहा है एम ए, सूडो फोर्स इसका मास अपन एम मान लेते हैं, और ये दोनों कॉन्टेक्ट में है। मैं बोल रहा था आप बच्चे भूल जाते हो इसको, कॉन्टेक्ट की वजह से कौन सा वाला फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फ्रिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस दे रखी है, वो हमें पहले ही बता दिया गया है। तो हमें पूछा गया है कि बताओ ए किसके इक्वल होगा, मैंने बताया था फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए कोई सी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लो, ये अगर बीटा है ठीक है, जेड वाली शेप बन रही है ना ये और ये, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा ठीक है। और अगर ये वाला एंगल बीटा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, अगर ये वाला एंगल बीटा है तो फिर आपका दिस एंगल इट विल बी इक्वल टू 90 माइनस बीटा, ऐसे 90 यहां तक खींच लो, ये वाला एंगल अगर बीटा है तो 90 माइनस बीटा, ये वापस से कितना हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा एन कॉस बीटा और इधर की तरफ कॉम्पोनेंट आ जाएगा एन साइन बीटा। एन साइन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए के इक्वल, और एन कॉस बीटा हो जाएगा एम जी के इक्वल। एन से एन गया, एम से एम चला गया, दोनों को डिवाइड कर दो तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, जी टेन बीटा के इक्वल आ जाना चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, आई होप ये जी होगा, यहाँ पर जी टेन बीटा। इतने एक्सेलरेशन से जब आप मूव करवाओगे तब आपका जो ब्लॉक है वो क्या रह पाएगा, स्टेशनरी रह पाएगा। कर सकते हैं अपन इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से ठीक है। तो सूडो फोर्स जो है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अ रोप ऑफ 20 मीटर इज केप्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू वन ऑफ इट्स एंड, फाइंड द टेंशन इन रोप एट 5 मीटर। तो अब की बार ये क्वेश्चन इसलिए स्पेशल हो गया क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग जो है उसके पास क्या है, मास है, तो टेंशन जो है वो हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। आप यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इधर एक पॉइंट है जो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, जो बच गई वो 15 मीटर रह गई ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपनों को कितनी दे रखी है, टोटल लेंथ दे रखी है 20 मीटर। तो यहाँ पर इस जगह पर आप ये बताना चाहते, ये क्वेश्चन भी ये पूछना चाहता है कि टेंशन फोर्स कितना होगा। अब देखो मैंने बताया था टेंशन फोर्स कैसे होता है, जैसे ये आप खींच के इसको अलग करना चाहते हो, टेंशन फोर्स वापस से उसको चिपकाने की कोशिश करता है। तो अपन इसको ऐसे विजुलाइज करते हैं, जैसे ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस क्रिएट कर दी और ये वापस से एक दूसरे से चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, और चिपकाने का काम कर रहा है आपका जाना पहचाना टेंशन फोर्स। इस वाले हिस्से का जो मास होगा, टोटल मास एम मान लेते हैं, टोटल लेंथ 20 है और हमें कितनी लेंथ का चाहिए 15 का, इसका मास टोटल मास एम, टोटल लेंथ 20 और हमें कितने का चाहिए 5 का, और इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग ही रहा है। तो अब हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि हमें टेंशन फोर्स निकालना और ये सारा का सारा डेटा जो है वो हमें दे रखा है। इस 5 न्यूटन की वजह से पूरी की पूरी रस्सी ए एक्सेलरेशन से क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। तो सबसे पहले तो ए एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं। और अब अपन क्या करते हैं, इस वाले ब्लॉक को पकड़ लेते हैं, इस वाले ब्लॉक को अपन पकड़ेंगे तो इसके ऊपर केवल और केवल ए की फोर्स लगता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज टी, वो एम जी और एन अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो आप कह सकते हो कि इसका मास दैट इज एम डिवाइडेड बाय 20 इंटू 15 इंटू इसका एक्सेलरेशन दैट इज ए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एकमात्र जो फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होना चाहिए।
ए की वैल्यू रखते हैं, टी आ जाएगा एम डिवाइडेड बाय 20 टाइम्स 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय एम, एम से एम चला गया, 5 से 4 चला गया, 3.75 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये जो एम अपनों ने अपनी तरफ से माना था वो कैंसिल आउट हो गया, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं हमें, राइट। सो अगेन दिस क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 3m एंड m रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। ये जो आखिरी वाली चीज है ना, उसकी वजह से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन गया। और देखो कि मान लो इस स्ट्रिंग को आपने काटा नहीं है, सिस्टम ऐसा कैसा है, और स्प्रिंग खिंच रखी है और सारा का सारा काम हो रखा है स्टेशनरी स्टेबल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में। तो उस कंडीशन में फोर्सेस को एनालाइज करेंगे तो कैसे लगेगा, एम जी इसके ऊपर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इधर देखोगे तो इसके ऊपर टेंशन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और स्प्रिंग की वजह से, टेंशन ऑफ स्प्रिंग का वजह उसकी वजह से लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, और इसका खुद का फोर्स 3mg वो तो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो बी को पकड़ लिया सबसे पहले अपनों ने, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, mg डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड्स, और क्योंकि बैलेंस्ड है तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, mg के इक्वल आ जाएगा। और अगर ए को पकड़ते हैं अपन तो उसके ऊपर लग रहा है 3mg डाउनवर्ड्स, टी डाउनवर्ड्स और ts अपवर्ड्स, क्योंकि बैलेंस्ड है तो ts हो जाएगा टी प्लस 3mg। टी की वैल्यू mg अपन निकाल ही चुके हैं, तो mg प्लस 3mg यानी कि ts की वैल्यू आ जानी चाहिए 4mg। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। तो जब कुछ भी नहीं किया गया है तब इस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन जनरेट हो रही है वो कितनी है, 4mg। अब ध्यान से देखना, जैसे आप इस स्ट्रिंग को काट दोगे तो ये भाई साहब जी तो फ्री फॉल करने लगेंगे, तो बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब लड़ाई इन दोनों में चल रही है। वैसे तो आप बिना करे भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको पता है कि ये जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और जैसे इसको छोड़ दोगे तो इसका जो बैलेंस है वो खत्म हो गया, स्प्रिंग वापस इसको ऊपर खींचेगी, तो इसका एक्सेलरेशन जी तो नहीं होगा, इतना आप अनुमान लगा सकते हो। यानी कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। बट अपन इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो इसका तो जी हो जाएगा। अब इसको पकड़ते हैं, अब स्ट्रिंग के काटने के बाद में ए के हालचाल देखते हैं अपन, ए के ऊपर क्या लग रहा है। ए के ऊपर एक तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ts, और उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4mg। वो धीरे धीरे कम होगा, बट तुरंत उस क्षण की बात कर रहा हूँ जिस क्षण पर रस्सी काटी गई है, ये कितना है, 4mg। और नीचे एक फोर्स लग रहा है 3mg, और इसका हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ये तो करना है अपनों को। तो आप बोलोगे कि इसका मास दैट इज 3m, इसका एक्सेलरेशन दैट इज a, किसके इक्वल होना चाहिए, सपोर्टिंग फोर्स दैट इज 4mg और अपोजिंग फोर्स दैट इज 3mg यानी कि mg। m से m कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, जी डिवाइडेड बाय 3 आ जानी चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन की तरफ चलते हैं आगे। अ ब्लॉक ऑफ मास 2kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। अ फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, अप्लाइड की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो देखो 2 किलोग्राम का है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 20 न्यूटन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, n लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही, तो n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन हो जाएगी, नॉर्मल फोर्स निकल गया। आप इधर से धक्का दे रहे हो, फोर्स f लग रहा है और फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल, ठीक है। अब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कितना है, 2.5, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि यार ये जो फोर्स है ये कहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हुआ तो ब्लॉक आपका मूव करने लग जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है,
म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन के इक्वल होता है। म्यू एस हमें कितना दे रखा है 0.4 और एन हमें कितना दे रखा है 20। पॉइंट हटा, 10 चला गया, इससे कैंसिल हो गया, 4 × 2 कितना आ गया 8 न्यूटन आ गया। ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो जब तक आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन या उससे ज्यादा नहीं हो, तब तक आपका कौन सा फोर्स लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने एक बात बताई थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यार हमने जो फोर्स लगाया है वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है, और सेल्फ एडजस्टेबल होता है तो वो भी कितना हो जाएगा आपका 2.5 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे नीट में पूछे जाते हैं, और आप ना जाने कौन कौन सी रामायण पढ़ते रहते हो, राइट? A uniform metal chain, chain की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, is placed on a rough table such that one end of chain hangs down over the edge of the table when 2/3 of its chain length hangs over the edge, the chain starts sliding, just starts sliding, then the coefficient of static friction is. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये आपकी टेबल है और इसके ऊपर इस तरीके से 1/3 जो हिस्सा है वो तो इस तरीके से रखा हुआ है, 2/3 हिस्सा जो है वो इस तरीके से लटका हुआ है, ये दीवार से ऐसे ज्यादा स्लाइड नहीं कर रहा टाइप से, राइट? ऊपर जरूर ये स्लाइड कर रहा है धीरे धीरे जब ये खिसक के नीचे आ रही। तो 2/3 होने का मतलब इसका मास भी टोटल मास का कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और इसका मास भी टोटल मास का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कर लेंगे हम लोग। अब ऐसी चीजों को हम पहले भी देखते आए थे, अगर हम इस पूरी की पूरी चेन को कंसिडर करें तो इसको सपोर्ट करने वाला फोर्स, जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो सपोर्ट करने वाला फोर्स है 2m/3 × g, और इसको अपोज करने वाला फोर्स है इसके ऊपर लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन। और क्योंकि जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट किया है तो हम कर सकते हैं FL = 2m/3 × g। जस्ट कोई एक्सेलेरेशन नहीं है ना, तो ये सपोर्टिंग फोर्स और ये अपोजिंग फोर्स जस्ट एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, फिर जैसे थोड़ा सा और हिस्सा यहाँ पे लटक जाएगा तो फिर धीरे 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 इसके अंदर एक्सेलेरेशन भी आ जाएगा, वो एक अलग केस है, बट हमें जस्ट स्लाइड करने वाला केस हो जाएगा। और एफ एल जो होता है वो होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो लगेगा m/3 g, तो उतना का उतना इसके ऊपर क्या होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी m/3 × g। m से m कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, और g से g कट रहा है, और म्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, आसानी से 2 निकल के आ रही है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हो, राइट? आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स टाइम ग्राफ फॉर लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज शोन इन फिगर, द सेगमेंट्स शोज अ सर्कुलर, द लीनियर मोमेंटम गेन्ड इन 4 सेकंड, या फिर कई बार इंपल्स जनरेटेड इन 4 सेकंड, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैंने बताया था फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर इंपल्स का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, और ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर हिस्से दे रखे हैं आपको, तो इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। द लीनियर मोमेंटम गेन्ड इन 4 सेकंड, केवल और केवल 4 सेकंड के अंदर पूछा गया, तो 4 सेकंड के अंदर जो लीनियर मोमेंटम इसने गेन किया होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया जो है वो आपका निकल के आ रहा है, सेमी सर्कुलर रीजन है, रेडियस 2 मीटर है, तो π/r² यानी कि रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2, क्योंकि सेमी सर्कुलर रीजन है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π/n/s। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो वो एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जा सकते हैं, आसान होंगे, आप आसानी से कर दोगे। अ गन फायर्स n बुलेट्स पर सेकंड, ईच ऑफ हैविंग मास m विथ वेलोसिटी v, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट्स ऑन द गन। तो जो गन है अपनी, ठीक है ना, इस तरीके से ले लेते हैं अपन, यहां से कुछ जो मास है वो छोड़ के निकल रहा है, तो एक तरीके से किसका एग्जांपल हो गया, वेरिएबल मास का एग्जांपल हो गया। तो उसके मास के छोड़ के जाने की जो रेट होगी dm/dt वो हम निकाल सकते हैं कितनी होगी, भाई कितनी बुलेट्स छोड़ के जा रही है, n बुलेट्स, हर बुलेट का मास कितना है स्मॉल m, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो टाइम हो जाएगा आपका 1। तो dm/dt की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, n × m आ जाएगी, और ऐसे केस में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, v times dm by
डीटी, वेलोसिटी तो आपको वी दे रखी है और डीएम बाई डीटी की वैल्यू एन इंटू एम है, तो आपका जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, वी इंटू एन इंटू एम के इक्वल आ जाना चाहिए। जितना फोर्स बुलेट्स के ऊपर लग रहा है उतना का उतना अपोजिट डायरेक्शन में किसके ऊपर लग रहा होगा, गन के ऊपर लग रहा होगा, तो गन का रिकॉयल फोर्स है। फिर एक्सेलेरेशन भी पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है, राइट। तो आप इस तरीके से इस तरीके की क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर द पुलीज आर लाइट एंड फ्रिक्शनलेस, द टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी। तो यहां पे देखो, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एम जी, और उसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये वाला कॉम्पोनेंट क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वापस से कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो इधर की तरफ तो आएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ आएगा एम जी साइन थीटा। अब अपना वही वाला फंडा कि अगर आप इस स्ट्रिंग को कंसिडर करो, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है नीचे की तरफ जारी होगी, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसे निकाल देते हैं अपन, सपोर्टिंग फोर्स दैट इज एम जी साइन थीटा। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में बैलेंस हो रहे हैं। डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, एम प्लस एम टू एम, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 1/2 जी साइन थीटा। अब इस ब्लॉक को पकड़ो, इसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है टी, और ये ए एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि किसके इक्वल है, 1/2 जी साइन थीटा के इक्वल है। तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो कि जो टेंशन फोर्स हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मास दैट इज इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 1/2 mg sin θ, ये आपके टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जानी चाहिए। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड था, और जब आप उसको कंसेप्चुअली अप्रोच करोगे तो वो हमेशा आपको इजी लगेगा, इवन टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। ये देखते हैं, टू मासेस एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर कनेक्टेड बाय द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, व्हाट इज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास कैपिटल एम। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक कंसेप्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड ही तो है भाई, रस्सी से बंधे हुए हैं, तो आपस में इनकी सबकी आपस की जो मोशन है वो बंधी हुई होगी। जैसे आप एनालाइज कर सकते हो कि ये जितनी डिस्टेंस नीचे जाएगा, अगर ये सपोज करो 10 मीटर नीचे जाएगा, तो एक तरीके से इसने 10 मीटर की रस्सी कंज्यूम कर ली, और वो कंज्यूम करने का मतलब है रस्सी की लेंथ तो चेंज होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे क्या होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से इसको 10 मीटर इसने स्ट्रिंग कंज्यूम करी, वो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, तो 5 इधर से हो गई, 5 इधर से हो गई, तो 10 लूज हो गई, वो फिर ये क्या कर जाएगा, कंज्यूम कर जाएगा। तो आप एक मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि आप ये कह सकते हो कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसका हाफ हाफ डिस्प्लेसमेंट इधर इधर चला जाएगा, यानी कि ओवरऑल पुली प्लस इस मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके आधे के इक्वल होगा। इसी तरीके से वेलोसिटी, इसी तरीके से एक्सेलरेशन के बीच का भी रिलेशन निकाल सकते हो। कह सकते हो कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा ए, तो इसका एक्सेलरेशन पक्का कितना होना चाहिए, ए डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। बट कई बार सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड दे देता है, खासकर क्वेश्चन जब करवाए जाते हैं आपको, हालांकि वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी मैं एक तरीका और बता देता हूँ, उसको यूज करके आप और भी आसानी से इस चीज को एनालाइज कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं अपन, वर्क डन बाय टेंशन निकालते हैं, और क्योंकि टेंशन हमेशा इंटरनल फोर्स होता है, दोनों एंड्स पर लगता है, तो वर्क डन बाय टेंशन हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो, इसके ऊपर टेंशन फोर्स टी लग रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे यहां पे टेंशन फोर्स टी लग रहा है ऊपर की तरफ, यहां पे टेंशन फोर्स टी लग रहा है ऊपर की तरफ, इधर की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड, इधर लग रहा है डाउनवर्ड, इधर लग रहा है डाउनवर्ड, और ये क्योंकि स्ट्रिंग अलग है तो इसके अंदर अलग फोर्स लगेगा, उसको अपन अभी कंसीडर, ये स्ट्रिंग थ्रू आउट सेम है तो इसके अंदर अपन टेंशन बताए। अब वर्क डन बाय टेंशन फोर्स निकालते हैं, ठीक है। इवन वर्क डन में अपन क्या करते हैं, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अपन डायरेक्ट फोर्स को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, एक जुगाड़ है मतलब, इस तरीके से देख लो आप इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, देखो एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, टेंशन फोर्स ऊपर है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव टी मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। इसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं ए वन, तो यहां पे देखेंगे और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर, और इसके ऊपर 2 बार टेंशन फोर्स लग रहा है वो भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसके लिए वर्क डन आ जाएगा 2t मल्टीप्लाइड बाय ए वन, और ऑल ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब स्टेशनरी है, उनके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होगा,
आप देखोगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ए वन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल निकल के आ जाएगी, ए बाय टू के इक्वल निकल के आ जाएगी। तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इसके एक्सेलरेशन के कंपेरिजन में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे एक्सेलरेशन के अंदर, जब रिलेशन पता पड़ गया तो फिर क्या करते हैं, व्हाट इज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास कैपिटल एम, इसका डाउनवर्ड एक्स। तो हमें रिलेशन पता पड़ गया बट अभी तक एक्सेलरेशन है कितना ये पता नहीं पड़ा। तो अपन वन बाय वन एक एक को कंसीडर करते हैं। जैसे सबसे पहले इसको लेते हैं, इसके ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, कैपिटल एम जी नीचे लग रहा है और एक्सेलरेशन इसका ए नीचे है, तो इक्वेशन बनेगी कैपिटल एम ए इज इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स हो जाएगा कैपिटल एम जी और अपोजिंग फोर्स हो जाएगा आपका टेंशन टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास दो अननोन वेरिएबल है ए और टी, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, वो हमें यहां से मिलेगी। देखो टी ऊपर है पुली मासलेस है, तो इसके अंदर भी जो टेंशन जनरेट होगी वो कितनी होगी, टू टी जनरेट होगी, इसका मास हो जाएगा एम जी नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन ए बाय टू है, तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी इसका मास इसका एक्सेलरेशन ए बाय टू, सपोर्टिंग फोर्स हो जाएगा टू टी और अपोजिंग फोर्स हो जाएगा माइनस एम जी। हमें तो टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, टू एम प्लस कैपिटल स्मॉल एम डिवाइड बाय टू और ए आ जाएगा आपका कॉमन, ठीक है। यहाँ से टू एम आ गया, यहाँ पे एम बाय टू आ गया, ए कॉमन आ गया, इधर टू टी से टू टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू कैपिटल एम इंटू जी माइनस स्मॉल एम इंटू जी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2m माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय 4m प्लस स्मॉल m, ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा 2 वो भी उधर चला जाएगा, तो यहां पे अपन 2 से या तो बाहर कर दे मल्टीप्लाई, अंदर भी कर देंगे, टाइम्स g के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट सा नजर आ रहा है, 2m माइनस m डिवाइडेड बाय 4m प्लस m टाइम्स 2g, थोड़ा सा अजीब से ढंग से लिखा गया बट ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमें करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का मकसद था कि आपको कंस्ट्रेंट मोशन की जो छोटी मोटी ट्रिक है वो सिखाई जाए, हालांकि इस ट्रिक को लेके मत बैठ जाना कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज सीख ली, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत रेयर होंगे, नॉर्मली सीधे साधे क्वेश्चन आते हैं तो आपको लोड नहीं लेना इसका, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड ऑन नेशनल हाईवे आर, विड्थ ऑफ द रोड इज बी, द आउटर एज ऑफ रोड इज रेज्ड बाय एच with respect to inner edge so that a car with velocity c can pass safely over it, the value of h is। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को अपन कंसिडर करेंगे सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे अभी शामिल नहीं करते हैं अपन, अपनों ने सर्कुलर मोशन का अलग से वीडियो प्लान किया है, उसके अंदर अपन इस क्वेश्चन को देखेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड ये वो फलाना ढिमका सारी की सारी चीजें, तो अभी एक बार अपन इसको स्किप करते हैं, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन भी था आपका, खैर। तो आज का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने फोर्स, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, अनबैलेंस फोर्सेस से किस तरीके से मोशन एक्सेलरेशन वगैरह निकाली जाती है, टेंशन फोर्स, डिफरेंट फोर्सेस के बारे में मैंने बताने की कोशिश करी, और बिलीव मी मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स करवाने की कोशिश करी है जिसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के अंदर। तो आपको इस चैप्टर को इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, आप मोस्ट वॉन्टेड जो बुक है उसका इंतजार आपका चल रहा होगा, उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हो जब भी बुक आपके हाथ में होगी। और अभी इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़, प्रैप ऑनलाइन ऐप के ऊपर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, और उसके क्वेश्चन अगर आप करोगे तो वहाँ पर आपको एक बेटर एनालिसिस मिलेगा। इनफैक्ट वो टेस्ट सीरीज़ इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि आपको बताया जाएगा कि आपका स्कोर इतना आना चाहिए, तो अगर आप उतना अचीव कर पाओगे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, साथ ही साथ में आपके नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। तो मेरी बेस्ट विशेस के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।